विद्या बालन उनकी बॉडी देखकर एकदम से बहुत रोने लग गई, तो साइड में गई, रोई, बोनी जी के पास आई, फिर से रोई, तो एक माहौल बड़ा गमगीन था। और मेरे ख्याल से विद्या बालन की आखिरी फिल्म तुम्हारी सुलू में उस जादू को रिक्रिएट करने की कोशिश भी की गई थी हवा हवाई के। और देखिए, हर एक एक्ट्रेस का कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट रहा है श्रीदेवी से, अगर वो आपकी जिंदगी में बेशक ना रही हो, मगर उनकी फिल्मों ने, उनके अभिनय ने, उनके किरदार ने किस तरह से आप पे प्रभाव डाला? 50 साल का करियर कोई आसान बात नहीं है, मतलब आप 4 साल की उम्र से ही आपने शुरू कर दिया ये सब, बट मतलब इतना प्यार आप इतने टाइम में बटोर रहे हैं। आज सारे आप अगर आप आसपास भी देख लें, सब सिर्फ एक ग्लिम्प्स देखना चाहते हैं उनकी, और जो मैं अंदर ग्लिम्प्स आज देख के आई हूँ, वो जो जितनी खूबसूरत थी, मैं वही खूबसूरत श्रीदेवी को आज अपनी आंखों में समेट के लेके जा रही हूँ। फिर जानना चाहूंगा, खुशी और जाह्नवी, उनकी दोनों बेटियां, जाह्नवी की तो फिल्म रिलीज होने वाली है कुछ महीनों में, उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। उन्हें ना सिर्फ मीडिया से दूर रखा गया, बल्कि जो लोग मिलने आ रहे थे उनसे भी कुछ दिनों तक दूर रखा गया था, खासकर जो इतनी बड़ी त्रासदी उनके ऊपर आई है। कल बॉडी आने से पहले घर पे सबसे पहले वही आई थी, दोनों आई थी, तो उनको उन्होंने शायद अपने आप को काम डाउन कर लिया था और अपने आप को तैयार किया अपने, क्योंकि उनके पिता के लिए सबसे बड़ा सहारा माने अगर तो वो वैसा है, तो अभी जब वो यहाँ पे बैठी हुई थी तो वो अपने पापा के मतलब वो अपने आप को बड़ा स्ट्रांग करके रखा हुआ था उन्होंने। हालांकि एक माँ को खोने का जो दर्द है वो तो डेफिनेटली होता है और वो दिखता भी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।